आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को हत्या के मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा चार अन्य को भी उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। राम रहीम और अन्य आरोपियों को साल 2002 में पूर्व डेरा प्रबंधक रंजीत सिंह की हत्या के मामले में 8 अक्टूबर को दोषी ठहराया गया था। इसके अलावा गुरमीत पर 31 लाख का जुर्माना भी लगाया और अन्य आरोपियों पर 50,000 का जुर्माना भी लगाया गया। और राम रहीम को 30 लाख रुपए जुर्माना, 31 लाख सारे पांचों को, पांचों मुजरिम को उम्र कैद और बाकियों को 50,000 जुर्माना, बाबा राम रहीम को 31 लाख रुपए जुर्माना। 31 लाख रुपए जुर्माना राम रहीम पहला भी उम्र कैद हुई है तो हूँ दोबारा उम्र कैद पहले नहीं चलते थे, खत्म हो जाएगी फिर दूसरी शुरू होंगी। सर ये एडिशन है, एडिशन होगा सर, माफी कर दूंगा, दूसरी का दूसरी दोनों की माफी चाहिए फिर बाहर आ सकते हैं। गुरमीत राम रहीम वालों किस तरीके का पक्ष पेश किया गया, बचाव पक्ष लिए की किया हुआ क्या है आज के बाद उन्होंने पहले कहना था कि वो उन्होंने ये अपराध किया है, अब सजा बताने की, सजा दो ही हो सकती है, या उम्र कैद होगी या फांसी होगी। सीबीआई हमने कहा था कि फांसी चाहिए, तीसरा अपराध है, वो कह रहे थे कि वो उम्र कैद हो, तो जज साहब ने उम्र कैद दे दी है प्लस कॉम्पनसेशन टू अधिकतर। राम रहीम का क्या कहना था, किस कंडीशन में थे, क्या डाला हुआ था, जुर्माना दिया गया बैंस साहब कैसे, राम रहीम की क्या कंडीशन थी जब उनको पैदल सुनाया गया। वीडियो कॉन्फ्रेंस में बैठे थे आराम से, व्हाइट वस्त्र थे और शांत। कितना जुर्माना हुआ है, 31 लाख आपने बताया था, ये राम रहीम को और बाकियों को कितना जुर्माना है, 50,000 कितना महसूस हमारे परिवार के लिए बहुत बड़ा दिन आज की, लंबे टाइम के बाद बहुत इंसाफ मिला। सर कितने सालों के बाद, कितने साल के थे उस टाइम, 8 साल के थे, हाँ जी मैं 7-8 साल का साथ परिवार के लिए, हाँ जी परिवार के लिए बहुत बड़ा दिन है आज भी, हमारे जो दादाजी ने इतने समय से इतने संघर्ष कर रहा था, लड़ाई लड़ रहे थे, उनको इंसाफ मिला है, बस अगर वो होते और अच्छी बात थी। अगर उन... उम्र कैदी मांग रहे थे, हम तो सर डेथ पेनल्टी मांग रहे थे, उसका क्या, चलो ठीक है हम संतुष्ट हैं, जो जुडिशरी का जो भी हुआ था अच्छा ठीक है हम संतुष्ट हैं। वहीं गुरमीत को उम्र कैद की सजा होने के बाद पत्रकार रामचंद्र छत्रपति के बेटे अंशु छत्रपति का क्या कुछ कहना है वो भी हम आपको सुनाते हैं। मैं सबसे पहले न्यायालय का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने गुरमीत राम रहीम जैसे खतरनाक शक्तिशाली अपराधी को उसकी सही जगह पर पहुंचाया। हालांकि वो पहला फैसला जो था 25 अगस्त 2017 को, उसी दिन अदालत ने यह तय कर दिया था कि हिंदुस्तान की न्यायपालिका जो है वो इतनी कमज़ोर नहीं है कि किसी ऐसे ढोंगी संत के सामने नतमस्तक हो जाए। हालांकि ये बात अलग है कि 2017 तक गुरमीत राम रहीम ने इस सिस्टम का नाजायज़ फ़ायदा उठाया, अपनी पावर का इस्तेमाल किया और कानून व्यवस्था को बिल्कुल फुटबॉल की तरह बनाए रखा, उससे खेलता रहा। लेकिन जब अदालत का सही वक्त आया तो न्यायपालिका ने बता दिया कि उसकी असली रंजीत सिंह